नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की बॉलीवुड पर। वाइफ प्रियंका चोपड़ा और होने वाले बच्चे को लेकर निक जॉन्स ने कही ये बात। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि निक उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ ही शादी के बाद प्रियंका बिंदास तरह की जिंदगी जी रही है। हाल ही में PC ने मी टू मूवमेंट पर भी ये बात रखी है। निक जॉन्स और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे से प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोई इवेंट हो या सोशल मीडिया, प्रियंका पिक निक के बीच की केमिस्ट्री दिखाई देती है। हाल ही में निक जॉन्स ने प्रियंका के साथ अपने फ्यूचर को लेकर और फ्यूचर में होने वाले अपने बच्चे को लेकर कही ये बात। मैं प्रियंका के साथ में अपने फ्यूचर को अपने दिमाग में हमेशा रखता हूँ। मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसे लेजेंसी पार्ट का बनना चाहता हूँ जिसकी कहानी मैं अपने बच्चे को सुना सकूँ। प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स ने पिछले साल राजस्थान के उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। वहीं इनको शादी क्रिश्चियन तरीके से भी हुई थी। इसी के बाद से लोगों को ये कपल गोल देता आ रहा है। शादी के बाद निक की जिंदगी कितनी बदली कितनी नहीं, इस बात को भी निक अपने इंटरव्यू में शेयर कर चुके हैं। आखिर क्यों सलमान खान ज्यादातर पहनते हैं काले कपड़े, दबंग खान के डिजाइनर ने कही खास वजह। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें सलमान खान बूढ़े लुक में दिखाई दे रहे हैं। ग्रे कलर के कोट और चश्मे के साथ सलमान सफेद दाढ़ी और मूंछ में दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग की शूटिंग में बिजी है। सलमान की पर्सनालिटी से लोग इतने इंप्रेस है कि अपने चहेते सितारे के स्टाइल स्टेटमेंट को वो भी अपना स्टाइल बना लेते हैं। ऐसे में सलमान खान की हेयर स्टाइल हो या उनके हाथ का ब्रश, लोग सुल्तान को इतना पसंद करते हैं कि उन्हीं की तरह स्टाइल भी कर लेते हैं। काम छोड़े बीजेपी के लिए वोट मांग रहे रणवीर दीपिका, जानिए क्या है इस वायरल फोटो की हकीकत। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ये एक फोटो सोशल मीडिया में इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में दोनों भगवा दुपट्टा ओढ़े जिस पर बीजेपी लिखा है नजर आ रहे हैं। जमकर वायरल हो रही इस फोटो में कपल ने ऑरेंज कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जिसमें वह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। फोटो में उन्होंने भगवे रंग का दुपट्टा ओढ़ कर रखा है। कपड़े पर लिखा है वोट फॉर बीजेपी। इस फोटो को फेसबुक एक बिहारी सौंपे भारी नाम के एक पेज पे शेयर किया गया है। इस तस्वीर के जरिए लोगों से भाजपा के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।